सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। 10 की हमने, ये हमारी स्केल है, 10 नंबर स्केल है और ये हमारा है बेंच है और ये बेंच हमारा उल्टा रखा हुआ है, तो हमने इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए फुट्टा 1.5 सेंटीमीटर का, आप देख सकते हैं ये फुट्टा इसमें यूज होगा। और ये मैंने पेपर डिवीजन पहले ही करके रखी हुई है, क्योंकि पेपर डिवीजन मैंने आपको बता रखी है कैसे होती है, तो ये हमने पहले ही करके रखी है। इसके बाद अब हमने इसमें कार्य शुरू करना है। सबसे पहले हम जो है वो एलिवेशन बनाएंगे। जैसे हम बनाते हैं तो ये स्टूल उल्टा है, तो उल्टे स्टूल में जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं इस साइड को यहाँ पे, तो इसमें नीचे जो है दिया हुआ 2 सेंटीमीटर की फट्टी है, तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगानी है। इस तरह से हम इसमें 2 सेंटीमीटर की फट्टी पहले लगा देंगे, देख सकते हैं, और इसको हम मिला देते हैं। इस तरह से, और अब हमने इसमें पाए बनाने हैं, खड़े हैं ऊपर को। ये हमारे जो पाए है ये हमारे 4x4 के हैं, तो यहां से हमने 4 सेंटीमीटर लेना है। इस तरह से 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे ऊपर, यहाँ पे भी। अब हम इसको मिला देते हैं डार्क। इस तरह से इसमें बीच में यहाँ पे फट्टी लगी हुई है ऊपर से नीचे को है, और ये है 7 सेंटीमीटर के बाद 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ से पहले 7 सेंटीमीटर लेना है। ये 5, 6, 7 सेंटीमीटर है और 7 के बाद हमें लेना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम 5 सेंटीमीटर ले लेंगे यहाँ पे, और इधर हमारा यहाँ भी इसी तरह से निशान लगा देंगे, पहले 5, 6, 7 और 7 के बाद हम यहाँ लगा देंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरह से, और इसको हम मिला देते हैं यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसको हमने जो है वो 2 सेंटीमीटर इसके अंदर भी हमने यहाँ पे इसको लगाना है, निशान डॉटेड हम लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ पे नीचे एक फट्टी है लगी हुई, यहाँ पे फट्टी है 8 सेंटीमीटर की, तो वो भी हमारी डॉटेड आनी है, तो हम डॉटेड एक साथ ही लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा है 8 सेंटीमीटर, 5, 6, 7, 8, यहाँ हम निशान लगा देंगे 8 सेंटीमीटर का, यहाँ भी लगा देंगे निशान इस तरह से, और हम इसको मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से। वो हमने इसमें 2-2 सेंटीमीटर बाहर को इसके हमने प्रोजेक्शन लेने हैं डॉटेड, तो हम यहाँ से इसमें 2 सेंटीमीटर नाप लेते हैं इस तरह से, यहाँ भी हम 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे, और इधर भी हम निशान लगा देंगे। इधर मैंने पहले ही लगा दिया था एक्चुअल में यहाँ पे, और यहाँ भी मैं लगा देता हूँ 2 सेंटीमीटर का निशान इस तरह से। अब हम इसको मिला देंगे, और जो आपका ये हमारी दूरी है, यहाँ भी हमने यहाँ से हमने बाहर को, ये अंदर को लगेंगे, यहाँ से बाहर को लगना है, यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, यहाँ पे भी हम निशान लगा देते हैं यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे इस तरह से। और हम अब ये जो हमारे डॉट लगने हैं ये यहाँ पे लगने हैं, सिर्फ यहीं पे इतने, और यहाँ पे ये इस तरह से लगेंगे,
और यहाँ पे इस तरह से और इस तरह से हम इसको लगा देंगे। यहाँ पे इसको हम मिला देते हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो हमारी ऊपर की ये लाइन हमारी है ये हमारी यहाँ पे मिट जाएगी, इसका आप कोई काम नहीं है। इस तरह से हमें स्कूल की जो स्टूल की जो है वो एलिवेशन हमें इस तरह से दिखेगी। अब हमने इसका बनाना है साइड, तो जैसे आपकी एलिवेशन बनी हुई है सेम आपकी जो है वो साइड भी इसी तरह से बननी है। तो हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे लड़का 2 सेंटीमीटर, हमने इसी का ही प्रोजेक्शन लेना है 2 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं यहाँ नापने की जरूरत नहीं है इस तरह से, और हमने नापना सिर्फ इधर को है जो हमारे 4-4 सेंटीमीटर के पाए इसमें लगे हुए है वो हमने इसमें नापना है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, इस तरह से, और हम इसको भी मिला देते हैं यहाँ पे इस तरह से। यदि आप चाहे तो एक साइड निशान लगा सकते हैं, जैसे ये ऊपर से 7 सेंटीमीटर के बाद 5 है तो हम यहाँ से इसमें 7 सेंटीमीटर का निशान लगा सकते हैं। ये है हमारा 5, 6, 7, 7 के बाद यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ ये नीचे से ऊपर है 8 सेंटीमीटर यहाँ से, तो ये हमारा इतना आएगा, ये 5, 6, 7, 8 इस तरह से हम यहाँ निशान लगा देंगे। और अब हम इसको यहाँ पे मिला देते हैं इस तरह से, ये यहाँ डार्क आएगा और यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर इसमें भी है, यहाँ पे डॉटेड आएगा इस तरह से निशान। इस तरह से, और ये भी हम यहाँ पे ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर वाली लाइन है ये भी हमारी फट्टी है, ये भी हम इस तरह से यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे हम डॉटेड भी लगा देंगे इस तरह से। और अब हम इसको 2 सेंटीमीटर का हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे भी हम नीचे ही इसमें 2 सेंटीमीटर लगा देंगे, ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया है। यहाँ भी हम निशान लगा देंगे 2 सेंटीमीटर के नीचे दोनों साइड इस तरह से, और अब हम इसको मिला देते हैं। यहाँ हम इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इस तरह से इसमें डॉटेड रेखा आनी है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो हमारा है साइड इस तरह बनेगी। और यहाँ पे ये जो लाइन है ये अब हमारी यहाँ से मिट जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी सी एलिवेशन और जो साइड है वो बनेगी। वो हमने प्रोजेक्शन के लिए यहाँ से इसके प्लान में प्लान के लिए प्रोजेक्शन लेने हैं, तो यहाँ पे हम ये 2 सेंटीमीटर का पहले ले लेते हैं, यहाँ पे ये हमारा 4 सेंटीमीटर का निशान है, इसी तरह से ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, और ये फिर हमारा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 से 2 और फिर आगे 2 है, इस तरह से हम इसको इसके पोजीशन लेंगे। आप देख सकते हैं अब हमने जो है इसका जो प्लान है वो पूरी तरह से डार्क है, बिल्कुल भी कहीं से डॉटेड नहीं है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से जैसे हम लेते हैं हम यहाँ से सर्कल से जो है उसके प्रोजेक्शन ले लेंगे यहाँ से। तो पहले हमने लेना है यहाँ से 2 का प्रोजेक्शन लेना है, जो ये हमने 2 सेंटीमीटर लिया है
ये हमने यहाँ निशान लगा दिया है। ये हमारा है 4 सेंटीमीटर है इस तरह से, यहाँ निशान लगा देंगे और यहाँ पे हमने, ये हमारा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे और ये हमारा है 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये जो है 2 सेंटीमीटर का निशान लगा देंगे इस तरह से। तो हमने क्या करना है, यहाँ से ये निशान जो है वो हमने दोनों लाइनों में लगाने हैं, यहाँ भी और यहाँ पे भी हम इसको, इनको निशान को लगा देंगे और ये जो निशान हमारा आ रहा है इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ पे हम इसको डॉटेड भी लगा सकते हैं, डॉटेड तो नहीं आएगा तो डार्क पर, अभी ये हमने ऊपर से भी इसके लाइन लेनी है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। और ये जो हमारी रेखा आएगी ये हमने यहाँ पे भी लगानी है इस तरह से, हम इसको लगाएंगे और हमने ऊपर जो ये हमारे पास लाइन आ रही है, हम थोड़ा मैं बड़ा फुट्टा ले लेता हूँ, तो यहाँ से इस फुट्टे से इस तरह से हम इसमें प्रोजेक्शन लेंगे, यहाँ से हमने ये इस तरह से चौरस इसमें ये लाइन आएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये, और अब हम इनको मिला देते हैं अच्छे से सकते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे 4 वर्ग जो है वो बन गए हैं, ऊपर जो पाए हैं ना ये वाले, ये हमारे यहाँ पे 4 बन गए हैं। अब इसमें बीच में जो है वो 2 सेंटीमीटर की फट्टी लगी हुई है, तो ये जो आपकी 2 सेंटीमीटर की फट्टी है ये भी हमारी डार्क है, ये हम यहाँ पे इसको ऐसे डार्क लगा देंगे, यहाँ पे भी हम इसको इस तरह से, यहाँ पर भी हम इसको डार्क लगा देंगे इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। इधर को भी हमने ये डार्क लगानी है, ये जो फट्टी है इसी को ही हम आगे बढ़ाएंगे, ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है देख रहे हैं आप, यही हमारे यहाँ पर लाइन आ जाएगी और यहाँ पे भी यही लाइन हमारी आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो हमारी स्केल का प्लान है वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा, इसी तरह से ये हमारा प्लान बनना है। इसमें यहाँ बचता है हमारा स्केल कार्ड, इसमें जो स्केल नंबर हमारा बन रहा है लग रहा है वो यूज हमने किया है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कार्ड जो आपने है वो अपने आप बनाना है।